तो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एडवांस एक्सेल विथ फॉर्मूला बेसिक टू एडवांस, राइट। और हम जूम ऐप के जरिए कनेक्ट किए हैं, और एक और सॉफ्टवेयर हम लोग यूज करते हैं गो टू मीटिंग। तो इसको कभी कभी यूज करते हैं जब जूम वर्किंग नहीं होता है। तो कभी कभी मैं अगर मैं बोलूंगा गो टू मीटिंग का आईडी डालूंगा तो आप गो टू मीटिंग से ज्वाइन कीजिएगा। अच्छा कभी होता है बैकअप के तौर पर मैं इसको रख रखा है। इसके बाद हम बात करते हैं एक्सेल एप्लीकेशन की। तो मैं जो आपको सिखाने जा रहा हूं वो है लेटेस्ट एक्सेल ऑफिस 365, ऑफिस 365 लेटेस्ट है। अब मैं लेटेस्ट इसलिए सिखा रहा हूं क्योंकि इस वर्जन में पुराने सारे वर्जन का डिटेल तो है ही, ऑप्शंस तो है ही, और इसके खुद के अपने ऑप्शंस भी हैं। तो आप लोगों के पास कौन सा वर्जन है सर? एक्सेल का हाँ, मालूम नहीं कौन सा है ये। एक्सेल खोलते हो तो उसमें पता चल जाएगा क्या नाम आपका? मेरे ख्याल से तो 2013 है ये। हाँ अच्छा, इस तरह का भी लुक है आपका, लुक दूसरा अब पता नहीं कभी ज्यादा यूज नहीं किया इसलिए आइडिया नहीं। है। ओके, तो वर्जन पता लगाने के लिए आप जस्ट इन्फो का फॉर्मूला अप्लाई करें, एक्सेल सीट को खोले। तो बता देता है, लेकिन कभी कभी ओपन जितना जल्दी हो जाता है कि पता ही नहीं चलता है। अच्छा तो इन्फो के अंदर आप जाएंगे तो यहां पे आपको रिलीज आपको देखेगा, वर्जन ऑफ एक्सेल, इसको देख सकते हैं। रिलीज को सेलेक्ट करके टैब मार दीजिए, एंटर कीजिए, तो यहाँ पे 16.0 आ रहा है, मतलब कि 2019 है। 15 15 होगा तो आपका 16 होगा। अच्छा यहाँ आप अकाउंट पे चले जाएं, अकाउंट पे यहाँ आपको बता देगा कि कौन सा एक्सेल अच्छा है। यहाँ मेरा ऑफिस 365 का सब्सक्रिप्शन है, तो ये उस पे दिखाएगा जो आपने परचेज कर रखा है। तो आपने परचेज नहीं किया हुआ है, पायरेटेड है, क्योंकि इंडिया में मोस्टली लोग यूज करते हैं 50-60 रुपए की डीवीडी लेके, तो वहां पे नहीं दिखाएगा। तो अगर आप चाहो तो इसका ले सकते हो, परचेज कर सकते हो ऑफिस 365, क्योंकि अभी आप 13 यूज कर रहे हो, साल 2 साल 3 साल, उसके बाद तो आपको इसी को यूज करना है ना सर। तो हम सीखेंगे तो अपडेटेड चीज सीखेंगे, तो इसको आप परचेज कर सकते हो। ऑफिस 365 का मंथली बिलिंग होता है, मंथ के हिसाब से होता है। ये 700 के आसपास मंथली जीएसटी लेके पड़ता है, 660 इसका शायद चार्ज है, एक महीने का। 1 महीने अच्छा मंथली चलता है इसका, ठीक है। चलिए ठीक है। लेकिन हमारे कुछ स्टूडेंट है जो मुझसे मानते हो कि जब मैंने परचेज कर रखा है उसमें 6 लाइसेंस परचेज है, समझे। अच्छा तो मैं ज्यादा नहीं, 450 चार्ज करता हूँ एक लाइसेंस के अच्छा लिए, इतना ही पड़ता है, जितना पड़ता है उतना ही चार्ज करता हूँ। तो ठीक अभी है। मेरे पास 3 हो गए हैं, 3 बचे हुए हैं, 3 मैंने दे अच्छा दिए हैं, 3 मैंने बचे हुए हैं। स्टूडेंट होते हैं जो कि लर्निंग पीरियड के लिए लेटेस्ट प्रैक्टिस के लिए चाहते हैं तो ले सकते हैं। अब मंथली पेमेंट करना है, ईयरली पेमेंट करना नहीं है, चाहिए तब अब यूज कीजिए, जब नहीं चाहिए तब यूज नहीं कीजिए, चलिए ठीक है। ले सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं, हमने वर्जन के ऊपर बात कर लिया, वर्जन के बाद हम बात करते हैं एक्सेल के यूज के बारे में। आप लोग एक्सेल सीख रहे हैं तो वन बाई वन आता हूं। सुरेंद्र जी आप बताइए, आप एक्सेल क्यों सीख रहे हैं? हेलो, एक्सेल जो है ऑफिस में काम करने के लिए सीखना है। अभी आप ऑफिस में काम नहीं कर रहे हैं? हाँ काम करते हैं ना, तो किस तरह का काम करते हैं? मैं प्रोडक्शन इंजीनियर हूँ। मैं इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि अगर आपके वर्क के प्रोफाइल के बारे में मुझे पता रहेगा तो प्रातः समय हम आपके वर्क से रिलेटेड ही ये देंगे, एग्जाम्पल देंगे, ताकि आपको तो समझ में आएगा। अच्छा, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ, ठीक है। हाँ मैं प्रोडक्शन इंजीनियर हूँ। तो किस तरह का डेटा होता है आपके पास? डेटा होता है उसमें डे टू डे प्रोडक्शन फीड करना पड़ता है कई बार, और कंपोनेंट की जो है मंथली बेसिस पे क्या रिक्वायरमेंट है वो फीड करनी पड़ती है। तो अभी जो
काम करते हैं वो बना के देते हैं पूरी रिपोर्ट। ओके, तो लेकिन जो है अब खुद सीखना चाहता हूँ ताकि जो है थोड़ी सी समझ गए। और धीरेन्द्र जी आप बताएंगे आपका क्या रिक्वायरमेंट, आप क्यों सीखना चाहते हैं, क्या रिक्वायरमेंट है? यस सर, आई एम वर्किंग इन यस इन अकाउंट एंड एडमिन। ओके, सो आई नीड टू, आपके पास जो भी काम होती है अकाउंट से रिलेटेड होता है ना? I need to make budget, individual budget, consolidated budget, and also I need to send some account record in Excel as well. I need to prepare financial statement. Okay, मैं समझ गया। चलिए, अब हम बात करते हैं आगे। अब हम बात करते हैं कि हमारा जो Excel application है, उसका architecture के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। कुछ क्लासेस बेसिक होगी, तो जो जो चीज़ मोस्ट मान लीजिए कुछ लोगों को चीज पता होता है पहले से, तो ध्यान रखिएगा, हो सकता है उसमें नई चीज आपको सीखने को मिल जाए। सबसे पहले हम बात करते हैं एक्सेल के आर्किटेक्चर के बारे में। एक्सेल की एक फाइल क्रिएट होती है, ध्यान रखिएगा, एक्सेल की एक फाइल क्रिएट होती है जिसको हम अपने हिसाब से नेम और लोकेशन दे सकते हैं, जो कि किसी को मेल कर सकते हैं, किसी से मेल ले सकते हैं। तो एक फाइल के फॉर्मेट आता है, एक फाइल के अंदर में डिफरेंट डिफरेंट शीट्स होते हैं और डिफरेंट डिफरेंट शीट्स के अंदर हम डेटा रखते हैं जो कि एक रो ऑन कॉलम के अकॉर्डिंग होता है, मतलब कि एक सेल में डेटा होता है। जो भी हम डेटा होता है हमारा एक सेल में होता है, टाइप करते हैं इस सेल में डेटा, और हर एक सेल का अपना एक एड्रेस होता है। जैसे कि अगर मैंने यहाँ पे क्लिक कर रखा है तो इसका एड्रेस क्या होगा, एफ कॉलम एंड टेन रो, एफ कॉलम एंड टेन रो, ये हो गया एफ टेन। तो हम कुछ भी वैल्यू डालेंगे तो स्टोर कहाँ हुआ, तो ये एफ टेन में स्टोर। समझे सुरेंद्र जी? हाँ जी, हाँ जी, समझ गया। अब इसका एड्रेसिंग सिस्टम करने का बेनिफिट क्या है, अब इसके बारे में जान लेते हैं। अब एड्रेसिंग सिस्टम करने का बेनिफिट ये होता है, जैसे कि एक्सेल में हम कोई भी डेटा लिखते हैं, हमने यहाँ पर कुछ डेटा लिख दिया, अब इस पर मैथमेटिकल कैलकुलेशन किया जा सकता है। मतलब कि अगर मैं 20 लिया और मुझे अगले सेल में इस 20 में 30 ऐड करके रिजल्ट चाहिए, तो जस्ट आप इक्वल प्रेस कीजिए। इक्वल क्यों प्रेस करते हैं, किसी तरह की कैलकुलेशन एंड फॉर्मूले की। अगर इक्वल प्रेस नहीं करेंगे तो समझ जाएगा कि कोई वैल्यू टाइप हो रहा है, कोई कैलकुलेशन या फॉर्मूला नहीं हो रहा है, इसलिए इक्वल देना जरूरी है। इक्वल दिया और मैंने यहाँ पे F4 को सिलेक्ट किया और प्लस यहाँ पे हमने अपना जो देना दे दिया। F4 मतलब कि F कॉलन एंड फोर में वैल्यू, F4 की वैल्यू में हम 30 को प्लस कर रहे हैं, राइट? तो रिजल्ट आपका 50 आ गया, और 50 किसका है, तो G4 की वैल्यू है। तो कोई भी वैल्यू या कोई भी कैलकुलेशन एक सेल के अंदर स्टोर होता है। अब एक सेल जो है, अब जब स्टोर होता है, अब विद इन सेल ही नहीं, हम विद इन सीट भी कर सकते हैं। सीट माना सीट 3 पे है और मुझे A1 की वैल्यू प्लस 1 करना है, तो मुझे सीट 1 पे क्लिक करूंगा, A1 को क्लिक करूंगा, यहां देखिए सीट A1 का एड्रेस है, एंड प्लस 20 या 30 जो करना है मैं यहां कर सकता हूं। उसके बाद अगर मान लीजिए कि मुझे अगर इसके ऊपर कैलकुलेशन करना है, तो इसमें से कैलकुलेशन कर सकते हैं विद इन सीट, आप सीट से बाहर और फाइल से बाहर भी कर सकते हैं इस तरह से। तो कैलकुलेशन सिंपल मैथमेटिकल ऑपरेटर के साथ कर सकते हैं। तो एड्रेस का पर्पस यही था कि जब हमारा रिजल्ट मतलब कहीं भी इनपुट अपडेट होगा तो मेरा रिजल्ट भी ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाए। ओके, अब इससे आगे बढ़ने से पहले हम थोड़ी सी थ्योरी भी पढ़ लेते हैं। थ्योरी में हम ये जानना चाहते हैं कि हमारा जो एक्सेल है बेसिकली इसका यूज क्या है, हम इसको किस पर्पस से यूज करते हैं। तो अगर मेरे एनालिसिस को देखें तो हम सबसे पहले बात करते हैं कि हम एक्सेल का यूज करते हैं डेटा एंट्री के लिए। सबसे पहला काम होता है डेटा स्टोरेज या डेटा एंट्री, किसी तरह का डेटा, चाहे वो आपकी डेटा एंट्री की डेटा हो, कहीं से मेल का ये डेटा हो, या फिर आपने अपने जो भी आपकी सॉफ्टवेयर है, प्रोडक्शन सॉफ्टवेयर है, जो भी आपके अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है, वहां से आपने कॉपी करके होल्ड किए। हम होल्ड क्यों करते हैं, जैसे मान लीजिए मैं छोटे मोटे डेटा और छोटे मोटे उद्यमी हूं, तो मैं क्या करूंगा कि अपने डेटा को एक्सेल पे ही डालूंगा,
लेकिन एक्सेल एज ए डेटाबेस नहीं है, एक्सेल की एक लिमिटेशन है, इसलिए एक्सेल को डेटाबेस की तरह यूज नहीं किया जा सकता। लेकिन जो ऐसे ही है शॉर्ट मिम एंटरप्राइजेज जिसके पास 4,000, 3,000, 2,000 का डेटा होता है रो का, तो वो लोग एक्सेल को एज ए डेटाबेस रख लेते हैं, सिंगल किसी का काम होता है तो एक्सेल को डेटाबेस की तरह यूज कर लेते हैं, बट एक्सेल डेटाबेस नहीं है क्योंकि डेटाबेस की बहुत सारे नियम पे खरा नहीं उतरता है, इजिली हैंग हो जाता है, इजिली क्रैश हो जाता है, इसकी पासवर्ड को इजिली तोड़ा जा सकता है, तो इसलिए ये डेटाबेस नहीं है। लेकिन इसमें डेटा को हम होल्ड करते हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां में डेटा इस पे होल्ड होती है एनालिसिस के लिए। जैसे मान लीजिए आपको समरी निकालना है कि हमारे इस महीने में टोटल प्रोडक्शन क्या है, या फिर इस महीने में हमने कितनी सैलरी दी है, तो ऐसी कैलकुलेशन के लिए आप अपने अकाउंटिंग और या फिर जो भी आपकी कंपनी की जो सॉफ्टवेयर है, मशीन सॉफ्टवेयर है, उससे आप डेटा को डाउनलोड करके एक्सेल पे होल्ड करोगे और फिर उस पे एनालिसिस समरी रिपोर्ट वगैरह हम क्रिएट करें। दूसरा होता है कैलकुलेशन। अब मान लीजिए कि अध्यंदर जी कोई सैलरी कैलकुलेट करना हुआ, तो सैलरी कैलकुलेट करने के लिए वो एक्सेल से अच्छा कोई चीज नहीं। हालांकि पेरोलिंग सॉफ्टवेयर बहुत सारे हैं, बट कैलकुलेशन के माध्यम से हमारा सैलरी कैलकुलेट करना है, इंसेंटिव कैलकुलेट करना है, आपका प्रोडक्शन कॉस्ट कैलकुलेट करना है, आपका वेस्ट मटेरियल कैलकुलेट करना है कि भाई कितना टन माल आया, कितना टन माल निकला, बीच में कितना टन वेस्ट बचा, इस तरह के वेस्ट प्रोडक्शन निकालना है, तो उस केस में हम यूज करते हैं एक्सेल को। कैलकुलेशन के लिए एक्सेल का अच्छा खासा यूज होता है। बाकी सॉफ्टवेयर से कैलकुलेशन बहुत अच्छा है, क्योंकि अगर आप एक्सेस की बात करें, आप ऑरिकल की बात करें, आप एसक्यूएल सर्वर की बात करें, आप पावर बीआई की बात करें, तो एक फिल टू फिल कैलकुलेट करता है, एक सेल टू सेल में, एक सेल के अंदर हम कैलकुलेशन नहीं कर सकते, जब भी कैलकुलेट होगा पूरी की पूरी फील्ड कैलकुलेट। इसलिए कैलकुलेशन के मामले में एक्सेल बहुत अच्छा है। दूसरा आता है एनालिसिस। हम समरी वगैरह क्रिएट करने के लिए, एनालिसिस करने के लिए, रिपोर्ट्स वगैरह बनाने के लिए हम एक्सेल का इस्तेमाल करते हैं। किस तरह का रिपोर्ट, तो चलिए हम कुछ आपको रिपोर्ट के सैंपल दिखाते हैं। सॉरी, ये तो मास्टर डेटा है, एक मिनट दे दीजिए, मैं भी ओपन कर रहा हूं। देखिए ये रिपोर्ट होगी, ये एनालिसिस रिपोर्ट होगी, ये मैं यहां से प्रोडक्ट चेंज करूंगा और मेरा पूरा रिजल्ट चेंज होगा। ये सिंपल सा डैशबोर्ड है, ये किसी बच्चे ने बना के भेजा है मुझे डेस्कटॉप की क्लास में। और भी कॉम्प्लिकेटेड डैशबोर्ड भी है हमारे पास, जैसे कि ये देखिए, ये भी एक डैशबोर्ड है आपका, स्लाइसर से बना हुआ है। मान लीजिए टीम टीम एफ का चाहिए तो एफ का सेल आ गया, एफ और जी दोनों चाहिए तो इस तरह से भी हो सकता है। यहाँ पे पर्टिकुलर प्रोडक्ट वन का चाहिए, प्रोडक्ट टू का चाहिए, यहाँ पे मान लीजिए मुझे फ्लोरिडा का ही चाहिए, तो इस तरह से हमारा रिपोर्ट जनरेट हो सकता है और अलग अलग यहाँ पे हमारा डैशबोर्ड बन सकता है, डेटा पे डैशबोर्ड बन सकता है। इस तरह की डैशबोर्ड्स रिपोर्ट्स बनाने के लिए हम एक्सेल का इस्तेमाल करते हैं, जो कि बहुत अच्छा बनता है। इससे अच्छा बेटर किसी और पे बनना मुश्किल है। और चौथा सबसे ज्यादा यूज करते हैं शेयरिंग के लिए। अगर आपको डेटा किसी को मेल करना है, कोई डेटा भेजना है, तो अब मेरे पास मान लीजिए पावर बीआई है या टैबलू है, तो मैं इसकी फाइल तो भेजूंगा नहीं, क्योंकि अगर इसकी फाइल भेजता हूं तो उसको ओपन करने के लिए सेम एप्लीकेशन होना चाहिए। बट एक्सेल हर पीसी में होता है मोस्टली, अगर नहीं है तो ओपन करने वाले बहुत सारे एक्सेल व्यूअर या ओपन आरजीएस, ओपन आरजीएस सॉफ्टवेयर होते हैं, उसका भी यूज कर सकता है, नहीं तो गूगल की गूगल सीट पे भी इसको खोल के देखा जा सकता है, मोबाइल वगैरह सब पे इसको यूज किया जा सकता है।
इसलिए एक्सेल को यूज करते हैं। एक्सेल यूज होता है आपका डेटा स्टोरेज, डेटा कैलकुलेशन, एनालिसिस एंड सेविंग। सेविंग यानी प्रेजेंटेशन कर सकते हैं। तो आप लोगों को पूछना है, फिर मैंने म्यूट कर दिया था क्योंकि बैकग्राउंड से शोर आ रहा था थोड़ा सा। हेलो हेलो, कुछ पूछना है? नहीं, चलिए। अब हम बात करते हैं, अब हम बात करते हैं लर्निंग से पहले की प्रिपरेशन के बारे में, कि अगर आप एक्सेल सीखना चाहते हैं, सीखने जा रहे हैं, तो क्या क्या प्रिपरेशन करनी चाहिए। मेरे हिसाब से दो रिक्वायरमेंट है। पहला कि आपके पास प्रैक्टिस के लिए टाइम होना चाहिए। अगर आपके पास प्रैक्टिस के लिए टाइम नहीं है तो सीखने का कोई पर्पस नहीं है। तो कितना टाइम वैसे एक एवरेज बंदे को चाहिए वैसे? आप मैथमेटिक्स पढ़ते थे? हाँ, मैथमेटिक्स पढ़ा हुआ है। तो मैथमेटिक्स कितना टाइम देते थे? सेम एक्सेल जस्ट लाइक मैथमेटिक्स, जितना कम टाइम देंगे उतना कम समझ में आएगा, जितना ज्यादा टाइम देंगे उतना ज्यादा समझ में आएगा। और फिर भी ऐसे आमतौर पे कितना, आधा घंटा बहुत है दिन में? नहीं, आधा घंटा तो कम होगा। जिस पहले समझिए, मैंने आपको पहले सीखने का पर्पस देखिए। पहले आप क्लास में ज्वाइन किया, आपने क्लास में आपको हर एक चीज को समझाया, राइट? आपने हर एक चीज को समझा, अपने डाउट को क्लियर किया, उसके बाद इस क्लास की रिकॉर्डिंग आपके सिस्टम में डाउनलोड होगी। तो आप उस रिकॉर्डिंग को प्ले करेंगे, करने के बाद मैं जैसे से मैंने किया है उस तरह से आप हर एक टॉपिक को नकल करेंगे, सेम टिटो, और समझेंगे, मेथड को समझेंगे और करेंगे। उसके बाद उससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल चेंज करेंगे। जैसे मैथमेटिक्स हम लोग करते थे, हमने एक फॉर्मूला सीखा, फॉर्मूला सीखने के बाद जैसे एक पैटर्न को फॉलो किया, फिर हमने इनपुट्स को चेंज किए और उससे हमने फॉर्म कैलकुलेशन किया। उसी तरह से आपको थोड़ी बहुत चेंजिंग करनी है और उस मेथड को हर एंगल से सीखना है। जैसे कि अगर आपने 30 एंड 20, तो 30 और 20 आपका 50 होता है, हमने आपको सिखाया। आप करेंगे कि भाई 40 और 10 भी 50 हो सकते हैं, यहाँ पे 10 और यहाँ पे 40 भी 50 हो सकते हैं। इस तरह से हर एंगल से आप चेंज करेंगे और उसको प्रैक्टिस करेंगे। उसके बाद बात आती है रिसर्च की। जैसे कि मैंने आपको सिखाया सिंपल सी कंडीशनल फॉर्मेट, राइट? आपको आप मेरे जो मैंने जैसे जैसे सिखाया आपने वैसे सब कर चुके हैं आप, ओके। उसके बाद आपको रिसर्च करनी है, इस पे कुछ नई चीज ढूंढने हैं जो कि मैंने आपको नहीं सिखाया। उसके लिए आप गूगल में जाएंगे, उस टॉपिक को सर्च करेंगे। सर्च करने के बाद बहुत सारे आपके वेबसाइट दिखेंगे, आर्टिकल्स दिखेंगे। अब आप उस आर्टिकल को पढ़ेंगे, हो सकता है वो आर्टिकल मैं पहले कवर कर चुका हूं या आप समझ जाएंगे कि हाँ ये तो हो सकता है, सर ने बताया कैसे हो सकता है। लेकिन कुछ ऐसा लगा कि जो मैंने क्लास में कवर नहीं किया है लेकिन है बड़ी अच्छी चीज, आपको समझ में नहीं आया, आप क्या करेंगे उस URL को कॉपी करेंगे और सीधे मुझे मेल कर देंगे और अगली क्लास में मुझसे डिस्कस करेंगे, सर इसके बारे में समझाइए ये कैसे, समझे? ठीक बात। तो हम यही रिकमेंड करते हैं बच्चों को, जो भी हमारे स्टूडेंट्स हैं उनको, कि आप लोग अगर ट्रेनिंग लेते हैं तो सबसे पहला काम है कि क्लासेस को ज्वाइन कीजिए। क्लासेस को ज्वाइन करने के बाद उस क्लासेस की वीडियो को देखिए और जैसा जैसा मैंने किया है, जिस स्टेप को मैंने फॉलो किया है, उस स्टेप को फॉलो कीजिए, फिर उस स्टेप में थोड़ी बहुत चेंज कीजिए। उसके बाद अगर आप उस टॉपिक को अच्छी तरीके से समझ गए तो उस टॉपिक सर्च कीजिए। सर्च करने के बाद आप उसमें कुछ नया ढूंढने की कोशिश कीजिए जो कि मैंने आपको क्लास में नहीं बताया। अगर नई चीज समझ गए तो कोई बात नहीं, लेकिन वो नई चीज आपको समझ में नहीं आ रहा है लेकिन है मजेदार चीज, तो आप उसके लिंक को मुझे भेज दीजिए और मुझसे अगली क्लास में डिस्कस कर दीजिए। प्रैक्टिस करते समय अगर छोटी मोटी प्रॉब्लम आई तो उसी समय मुझे व्हाट्सएप या मैसेज या कॉल कर सकते हैं।
जो प्रॉब्लम फोन पे समझाने लायक होगी मैं आपको समझा दूंगा, जो प्रॉब्लम फोन पे समझाने लायक नहीं होगी उसको हम क्लास अगली क्लास में पूछ लेंगे। अब कुछ आपके डाउट्स ऐसे भी होंगे जो कि आपके ऑफिस से रिलेटेड डाउट्स होंगे, लेकिन मुझे ऐसा लगेगा कि ये डाउट अभी आप नहीं समझ पाएंगे क्योंकि एलिजिबल नहीं है समझने के लिए। तो हम क्या करेंगे, उस डाउट को मैं अपने डायरी में नोट कर लूंगा, जब उस डाउट से रिलेटेड टॉपिक को पढ़ाऊंगा तो मैं आपको उसमें उस डाउट को एज ए क्लास का टॉपिक ले लूंगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि आपने कोई क्वेश्चन पूछ दिया वो पिवट टेबल से रिलेट करती है, अभी मैं पिवट टेबल आपको नहीं पढ़ा रहा हूं, तो मैं क्या करूंगा कि अपने पिवट टेबल वाले नोट्स में उसको लिख लूंगा, और जब मैं पिवट टेबल पढ़ाऊंगा तो पिवट टेबल में कोई ना कोई एग्जाम्पल तो मुझे लेना ही है, तो क्यों ना मैं आप ही की प्रॉब्लम को एज एग्जाम्पल ले लूंगा। ओके, ठीक बात है। दूसरी चीज, अगर ऐसा लगा कि नहीं वो आपके ऑफिस में बहुत जरूरी है, तुरंत आपको चाहिए सॉल्यूशंस, तो उसके लिए मैं देखूंगा कि एक या दो दिन के बीच में मैं किस बैच में पिवट टेबल पढ़ा रहा हूँ, उस बैच में मैं आपको बुला लूंगा और पिवट टेबल को पढ़ा दूंगा। अगर आप नहीं आ पाए तो उसकी रिकॉर्डिंग मैं आपको दे दूंगा। ठीक है, ठीक है, इस तरह से होता है। अब इसके बाद आती है प्रिपरेशन में दूसरा पार्ट आता है कि देखिए जब भी हम कुछ नई चीज और कुछ एक्स्ट्रा चीज स्टार्ट करेंगे तो हम आपको कुछ देखने के लिए देंगे वीडियोज। अब वीडियोज का मतलब ये नहीं है कि मैं आपको वीडियो बना मतलब इसे वीडियो ही भेजूंगा क्लास में, बट हम आपको जो है जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होता है ना उसको पहले वीडियो भेज देंगे। तो क्या है कि आप लोग अभी क्या है लर्नर है, और दूसरी चीज आपको सीखने का जो हैबिट है वो भी आपका छुटा हुआ है काफी दिनों से, तो पहले तो मुझे आपको लर्निंग का हैबिट डालना पड़ेगा। क्या रेंद्र जी, अगर आप एक बुक लेके पढ़ने बैठे तो मुझे लगता है कि डेढ़ एक माने कि एक घंटा से भी कम टाइम में आपको नींद आ जाएगी। हाँ जी बिल्कुल, पहले तो हमें लर्निंग का हैबिट डालना होगा क्योंकि माइंड हमारा लर्निंग से सेटअप में नहीं है। तो दूसरी चीज कि अगर आपको मान लीजिए कि आज मैं कुछ पढ़ाने वाला हूँ, मान लीजिए आज मैं आपको कंडीशनल फॉर्मेटिंग ही पढ़ाने वाला और कंडीशनल फॉर्मेटिंग से रिलेटेड आपको कोई वीडियो पहले से मिल गई है, आपने उसको देख लिया होगा, तो कम से कम पहले से 20% तो आप वीडियो से जानते ही है, तो बाकी चीज पे आप जो जो एडवांस चीजें हैं उस पर आप ध्यान देंगे, क्या बेसिक कंसेप्ट तो आपका क्लियर होगा, तो बेसिक में हम अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। इसलिए हर बार आपको हम क्लास कराने से पहले हर दिन नहीं, बल्कि जैसे भी लगा कि हाँ टॉपिक थोड़ा सा अच्छा है पहले जो बता दें ऐसे नहीं समझ पाएंगे, तो उसकी जो मैं वीडियोज है वो वीडियोज मैं आपको फॉरवर्ड करता हूँ। ठीक है सर, अब हम इसमें बात आज की बात करते हैं। आज हम जो है क्योंकि तो टाइम निकल चुका है हमारा, अभी मैं आपको एक 4-5 घंटे की एक वीडियो दे रहा हूँ। ठीक है सर, क्योंकि एक्सेल का पूरी एक्सेल का एक समरी कर लीजिए, समरी है और क्या क्या कराऊंगा उसका एक सारांश या समरी कर लीजिए, ये है, ये मैं आपको अभी मेल व्हाट्सएप करूंगा, मेल व्हाट्सएप करूंगा। और सलेंदर जी मैंने आपको ये व्हाट्सएप कर दिया। अच्छा ठीक है, ठीक है, तो कल की क्लास, हेलो हेलो, हाँ सुन रहा हूँ, कल की क्लास से पहले इसको एक बार आप देख लीजिएगा। ठीक है ठीक है ठीक है, ओके, से हम आपकी टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। सुरेंद्र जी, मैं सुरेंद्र शाही जी, मैंने आपको भी भेज दिया है व्हाट्सएप स्काइप पे। ओके ठीक है सुरेंद्र जी, और सुरेंद्र जी आपसे एक रिक्वेस्ट है, नहीं सुरेंद्र जी सुरेंद्र दुरेंद्र जी सॉरी सुरेंद्र शाही जी, एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, कल से आप क्लास में बैठेंगे तो थोड़ा सा शांत जगह बैठेंगे और दूसरी हेडफोन को यूज करेंगे ताकि आपके से कोई शोर शराबा ना। ओके ओके ठीक है, तो अभी okay. जो वीडियो भेजा है उसको देख लीजिए, कल फिर आपके साथ हम ज्वाइन करेंगे। मीटिंग आईडी पासवर्ड सेम रहेगा, बस व्हाट्सएप पे कंफर्म कीजिए और
ज्वाइन कर लीजिए. ओके ओके बाय, सी यू टुमारो सेम टाइम. ओके बाय.